मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 3। मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, जिसमें आप लोग आज नए लेसन में कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ इमेज वगैरह भेजा था, क्वेश्चन बैग 1, क्वेश्चन बैग 2 करके बच्चों। तो क्वेश्चन बैग 1 और क्वेश्चन बैग 2 जो है बच्चों, लास्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, उसी सब चैप्टर से तैयार किया जाता है क्वेश्चन बैग 1 एंड क्वेश्चन बैग 2। हर एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर के बाद इस तरह का चैप्टर दिया हुआ है, आप अपने बुक में देखेंगे। तो उसे मैं आप लोगों को नहीं करवाती हूँ, उसका मैं वीडियो भी नहीं भेजती हूँ, ना ही उसका मैं इमेज भेजती हूँ। इमेज भी भेजती हूँ तो ब्लैंक, इसलिए क्योंकि जो लास्ट क्लास में जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसी का वो निचोड़ है। अगर वो चीज़ अगर आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग कुछ नए चैप्टर को पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6 में लेके चल रही हूँ बच्चों। इसके लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट करवाया था, उसके बाद क्वेश्चन बैग 1 और 2 आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए भेजा था इमेज। चलिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं, फाइंड द सम, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों। ऐड करना तो आप लोग 1 क्लास से ही सीखे होंगे, और सब तो इसमें आप लोगों को प्लस करना है। 2 और 6 को जब प्लस करते हैं बच्चों तो यहाँ 8 आता है, 3 और 4 को जब प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 5 और 3 को जब प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 1 को प्लस करने से 9 आता है। ओके बच्चों, ये तो एकदम ईजी है, ये आप लोग बना ही लेंगे। मैं एक आप लोगों को बना के बता रही हूँ। 1 नंबर ये है, पेज नंबर 4646 में। अब 7 नंबर से बच्चों, पेज नंबर 47 में है, 7 नंबर से लेकर के 2424 तक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी ऐड ही दिया हुआ है, ये सब भी आप लोग जोड़ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर है अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम, मतलब इसको ये भी सम ही है बच्चों, इसको हम लोग को प्लस करके दिखाना है। तो मैं कॉपी में नहीं, यहाँ बगल में ही एक आप लोगों को सम करके दिखा रही हूँ। देखिए 5 और 2 होता है बच्चों 7, 3 और 3 होगा 6, 4 और 1 5, और यहाँ बच गया सिंगल 2, तो ये आ गया 2567 हो गया। चलिए बच्चे, मैं आगे में कुछ आप लोगों को इसका और बता देती हूँ मैथ। यहाँ है 6241 प्लस 1326 प्लस 432। तो मैं इन तीनों को जब मैंने प्लस किया बच्चों, मैंने पहले से करके रखा है, मैं आप लोगों को फिर से समझा रही हूँ। 1 और 6 7 7 और प्लस 2 9, यहाँ मैंने 9 लिखा है। 4 और 2 6 6 और 3 9, फिर यहाँ रिपीटेड 9 आया, फिर 2 और 3 5 5 और 4 9, फिर तीसरा बार भी 9 आया बच्चों। अब है 6 और 1 प्लस 7। अब 18 नंबर आप लोग खुद से बना लेंगे बच्चों। 20 में मैं आती हूँ, यहाँ पर है 2401 1036 101 प्लस 6060, तो इसका आंसर आया बच्चों 3598। अब देखिए यहाँ 6 और 1 7 1 8, यहाँ मैंने 8 लिखा है, 3 0 3 3, फिर 0 है, फिर 6 है, यानी 3 और 6 9 आया है। 4 0 1, यानी 4 और 1 5, यहाँ मैंने 5 लिखा है बच्चों, फिर 2 प्लस 1, यहाँ 3 मैंने लिखा है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, अरेंज इन कॉलम्स एंड एड, ये भी वही है, अरेंज इन कॉलम्स है। यहाँ पर प्लस में कॉलम करे था, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर 3562 एंड 4326 है। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया है तो 7888 आया है। 2 और 6 8 6 और 2 8 5 एंड 3 8 3 एंड 4 7। ओके बच्चों, अब हम लोग 23 नंबर आप लोग बना लेंगे इसी ढंग से। 22 में है 1405 2031 42 एंड 11, तो यहाँ मैंने प्लस किया इन चारों डिजिट को, 5 1 6 और 2 8 प्लस 1 9, मैंने लिखा 0 प्लस 3 3 4 3 प्लस 4 7 7 प्लस 1 8, आ गया 4 प्लस 2 6, यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ 1 है बच्चों तो मैंने 1 लिख दिया। अब 24 में बच्चों 5360 407 111 एंड 21, तो यहाँ मैंने चारों को ऐड किया बच्चों, तो 0 प्लस 7 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9, यहाँ मैंने 9 लिखा, 6 प्लस 0 6 प्लस 1
सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, यहाँ भी मैंने नाइन लिखा। थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस वन एट, यहाँ मैंने वन, यहाँ सॉरी बच्चों मैंने एट लिखा है। फाइव, यहाँ मैंने फाइव लिख दिया है। इस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज सिक्स पेज नंबर 4646 एंड 4747 में आप लोगों को एक्सरसाइज सिक्स मैंने आज आप लोगों को कम्प्लीटली बता दिया बच्चों, वन से लेकर 24 नंबर तक। इसे आप लोग घर में होमवर्क बनाकर अपने बुक में इमेज के साथ हमें मुझे भेजेंगे और उम्मीद है आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।